फिर इन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया। दे अरोइज लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स ड्यू टू द कास्ट एंड ट्री सिस्टम। अब जात पात की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए थे। पीपल वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दिस सिस्टम, द सर्कमस्टांसेस गिव बर्थ टू अनदर रिलीजियस कॉल्ड बुद्धिज़्म। ठीक है, अब लोग जो है ना इनके अरियांस के आने की वजह से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे मेंटली, तो उनकी वजह से फिर एक और रिलीजन मार्जा वजूद में आया और वो था बुद्धिज़्म। इट इज़ अ फाउंडर, इट्स फाउंडर वॉज गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन कपिला वास्तु इन 563 BC। ये गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, बुद्धा, अब ये जो बुद्धा जो थे ना, ये कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, ये ना इंसानियत पे बिलीव करते थे। ठीक है, ही वॉज कीप टू चेंज दैट सिस्टम, ही लेफ्ट द रॉयल पैलेस एट द एज ऑफ 20। उन्होंने लग्जोरियस लाइफ अपनी छोड़ दी, वो अच्छी आलाशान जिंदगी नहीं गुजारना चाहते थे। एंड वेंट इन टू द जंगल्स ऑफ गायास, ही स्ट्रगल लॉर्ड बट कुड नॉट फाइंड पीस। वो एक पीस या अमन चाहते थे किसी अच्छी जगह पे। एट लास्ट वन नाइट ही गॉट स्पिरिचुअल नॉलेज वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। तो एक रात अचानक उन्होंने रूहानी इल्म हासिल किया एक दरख्त के नीचे बैठ के। गौतम बुद्ध रिजेक्टेड द कास्ट एंड ट्री सिस्टम्स इन हिंदू सोसाइटी एंड टोल्ड देम अबाउट इक्वालिटी। ठीक है, वो नस्ल पसंदी को नहीं पसंद करते थे। वो ये कहते थे कि हर एक लोग इक्वालिटी में है इंसानियत के बिना पे। इनरेटेड द फॉलोइंग 8 प्रिंसिपल, वट शुड लीड अ सिंपल लाइफ। पहली बात यह है कि एक बंदा सिंपल लाइफ गुजारे। दूसरी बात, शुड अवॉइड वाइन गैम्पलिंग एंड टैरिंग, ना शराब पिए, ना जुआ खेले और ना कभी झूठ बोले। थर्ड इज़ द मोनोपोली ऑफ हिंदू ब्राह्मण मस्ट बी फिनिश्ड। उन्होंने कहा ये जो पॉलिटिक्स है हिंदू ब्राह्मण की, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। नो वन शुड बी कंसिडर इन्फीरियर, किसी को भी अपने से निचला ना समझा जाए। रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत को हमेशा इज्जत दी जाए। कत्लो गारत ना की जाए। कास्ट इंक्रीज सिस्टम शुड बी अबॉलिश, नस्ल परस्ती को ख़त्म कर दिया जाए। ज़ात पात के बिना पे लोगों को मत डांटा जाए। ऑल ह्यूमन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। और उनने एक और बात की कि हर जो मुसलमान है उसको इक्वली के बिना पे बराबरी के तौर पर उनके साथ रवैया अख्तियार किया जाए। द टीचर्स ऑफ गौतम बुद्ध हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ पुअर एंड पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट। पीपल स्टार्टेड टू एम्ब्रेस द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। दिस रिलीजन स्प्रेड ओवर इंडिया, अफगानिस्तान, बर्मा, चाइना एंड जापान। और ये जो मज़हब है ये स्प्रेड हुआ इंडिया में, अफगानिस्तान में, बर्मा में, चाइना में एंड जापान में। ठीक है, ये गोल्डन पॉइंट्स थे उनके, कि वो कहते थे कि एक सादी लाइफ गुजारें, शराब मत पिएं, जुआ मत खेलें, झूठ ना बोलें, हिंदू ब्राह्मण मस्त भी फिर